अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, अरीबा के मिस्त्रियों में आपका वेलकम। तो आज की जो मेरी रेमेडी है ना, वो बहुत अच्छी है और ये मैं सिर्फ वीकेंड के वीकेंड यूज़ करती हूँ। रेगुलर रूटीन में मैंने कभी भी नहीं यूज़ की और रेगुलर रूटीन में इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास के रेगुलर रूटीन में वो यूज़ करे। तो आपके हेयर स्मूथ, अच्छे, शाइनी, लॉन्ग, कमाल के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आप लोग को दे रही हूँ। लेकिन आपने वीक में दो बार लगा लें, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बार ही लगाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। आपने लेना है एक अंडा, दही, योगर्ट, एग और हनी। शहद ले लें, दही ले लें और अंडा ले लें, तीनों चीज़ों को हमने करना है मिक्स। तो अब ये हमारे पास दही, इसमें हम तोड़ेंगे अंडा। ओके, से आपने सिर्फ अपने बालों का रिज़ल्ट चेक करना है, इसका आपने रिज़ल्ट देखना है और आपने इसका रिज़ल्ट ना, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि इसका रिज़ल्ट। ये हमने 1 स्पून ले लिया, ज़्यादा भी नहीं लेना, ठीक है, 1 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मुझे लिया ये देखिए, ये इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया। और जब एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा ना, फिर आपने अपने इसको बालों में अप्लाई करना है। मेरी कटोरी थोड़ी सी ना छोटी हो गई है, तो अब मैंने नहाने जा रही थी, तो आपने ना आधे घंटे पहले आपने इसे अप्लाई करना है। तो अब हम इसे अपने बालों में लगाएंगे, 1 by 1 स्टेप से लगाने। वैसे मैंने ये शर्ट में ही गंदी है, ठीक है, तो हम इसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे करेंगे और इसे हम लगाना स्टार्ट करें। आप किसी से भी लगा लें, अगर आपको खुद नहीं लगाने आता, घर में किसी से लगवा लें या किसी से भी जो आपको अच्छा लगा दे। तो हमने ये लगा लिया और इसको बंद कर दिया। अब आपका दिल करता तो दुपट्टे से लपेट लो या ऐसे ही रहने दो। और साथ ही मैंने नेक्स्ट रेमेडी फेस के लिए तैयार कर ली। इसमें मैंने डाला है बेसन, ग्लिसरीन, हनी और दूध। पानी में मैंने इसको मिक्स नहीं किया, दूध में मिक्स किया, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि मैंने अकेली नहीं लगाना है तो इसलिए ना मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अब हम इसे लगाते हैं, रुके, जब तक हमारा अंडा होगा हमारा, जब तक हमारा अंडा मिक्स होगा हमारा वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अपने फेस की अगर आप लोग खुद नहीं हिफाजत करोगे तो फिर कौन हिफाजत करेगा? आप लोग के फेस की कोई भी नहीं हिफाजत करता। आप लोग को अपने फेस की हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैंने ना नहाने जाना, तो इसलिए मैं गर्दन पे भी लगा लेती हूँ। चलिए, और आपने इसको सिर्फ 30 मिनट्स लगाना है, अंडे जो आपने हेयर पे मास्क लगाया ना। तो अब मैं आपसे मिलूंगी पूरे 30 मिनट बाद। हेयर मास्क भी मेरा डन हो गया और मैंने फेस रूटीन भी अपनी कर लिया। ये रूटीन मैं जो बेसन वाली है ना, ये 3 दिन हो गए मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले मैं करती थी लेकिन रोज़े थे, हिम्मत ही नहीं है, तो अब मैंने अप्लाई दोबारा, और अब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो रेगुलर करूँगी और ब्लॉग्स में आपको मेरे ये रेगुलर ही नज़र आएगा, ठीक है। तो आपसे मैं मिलती हूँ, पानी भी आ जाएगा उस टाइम तक। तो ये आप मेरे बाल देखें और ये इसका रिज़ल्ट देखें बस, आप कितने सिल्की, स्मूथ, शाइनी और सॉफ्ट हो गए हैं मेरे हेयर्स, और इतने नरम है। और अभी ये सही से ना, मतलब गीले ही हैं, अभी ये ड्राई नहीं हुए और इतना अच्छा रिज़ल्ट है इनका। कोई भी पफीनेस नहीं आ रही, हैवी हैवी वो जो बाल नहीं होते, और ये बहुत अच्छा है। और आप सब लगाया करें, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी।
और वीक में आप दो दफ़ा लगा लें, ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया क्योंकि इससे जो बाल है ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही लगाएं, ये लड़के भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अगेन एक न्यू व्लॉग के साथ आएँगे अरीबा की मस्ती हम आएँगे ज़रूर आएँगे। बाय बाय।